नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। लखनऊ में पुलिस की नाक के नीचे चल रहे सेक्स रैकेट, आज हम करेंगे अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा। हम खबरों को चाशनी में डुबो करके नहीं लाते, हम खबरों को लाल मिर्च की उन पाउडर में डुबाते हैं, जो लाल मिर्च की पाउडर पुलिस को भी लग सकती है, प्रशासन को भी लग सकती है, नेता विधायक मंत्रियों को भी लग सकती है और लखनऊ में सेक्स रैकेट का स्कैंडल चलाने वालों को भी लग सकती है। आप सभी ध्यान से देखें और आप तय करें कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। वह पुलिस है जिसकी नाक के नीचे इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर सेक्स स्कैंडल चलाया जा रहा है, या उस क्षेत्र के सीओ हैं, या लखनऊ के एसएसपी महोदय हैं जिन्होंने पूरा ध्यान ट्रैफिक की व्यवस्था में और हेलमेट के चालान पर दे रखा है। पूरा स्टिंग ऑपरेशन पी न्यूज की टीम ने किया है, आप पूरी वीडियो देखें और आप तय करें किसका जिम्मेदार कौन है। यह स्टिंग ऑपरेशन है लखनऊ के विकास नगर चौराहे की, जहां हर मिनट 100 नंबर वैन थाने की गाड़ियां फर्राटा भरती रहती हैं। चौराहे पर गुलाचीन मंदिर और भगवान शिव की भव्य प्रतिमा लोगों की आस्था का सिरमौर है। वहीं बगल में चल रहे सेक्स रैकेट वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। चौराहे से 2 कदम की दूरी पर ऑक्सीजन नाम से एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के नीचे पिकासो मसाज पार्लर एवं यूनिसेक्स सैलून। नाम तो मसाज पार्लर का है और यूनिसेक्स सैलून का है, पर काम सेक्स रैकेट का है। पी न्यूज की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन में जब अपने स्टिंगर को कस्टमर बना के भेजा तो मोहतरमा ने मसाज के पैकेज बताए। स्टिंगर ने कहा कि हमें मसाज नहीं सिर्फ सर्विस चाहिए, तो आखिर में बात 1500 रुपए में बन गई। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि मसाज नहीं कराना है तो मिलने वाली सर्विस आखिर किसे कहते हैं। हम उस सर्विस की वीडियो भी दिखाएंगे। उसके बाद हमारे स्टिंगर को 4 लड़कियां दिखाई गईं जिन्हें सर्विस के लिए पसंद करना था। फिर स्टिंगर ने एक लड़की को पसंद करके उसके साथ बने हुए केबिनों में दाखिल हो गया। केबिनों में लाइटें बंद रहती हैं और दरवाजा बंद करके यही हुआ करती है। वो कुछ ही पल बाद हमारे दूसरे कैमरामैन स्पा में दाखिल होते हैं और उस केबिन को खुलवाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर दांतों तले उंगलियां दब ही जाया करती हैं। जब तक रिसेप्शन पर बैठने वाली मोहतरमा दौड़ कर आती हैं और अपनी सफाई देती हैं, तब तक तो सारी सच्चाई कैमरे के सामने खुल चुकी होती है। मोहतरमा ने स्टिंगर से फोन छीनने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, यह बताने की कोशिश की कि उनके परिचय बड़े बड़े रसूख वालों से हैं। जरा सोचिए कि कौन सा सैलून है जहां गार्ड रखा जाता है कि आने जाने वालों पर निगाह रखी जा सके। कौन सा सैलून है जहां ग्राहकों को चौराहे से रिसीव किया जाता है। मोहतरमा यह मानने को कतई तैयार नहीं है कि उनके यहां सेक्स स्कैंडल चल रहा है। जरा हमारे स्टिंगर की बॉडी देखिए, क्या कहीं मसाज ऑयल नजर आ रहा है। अब तो योग गुरु बाबा रामदेव से पूछना होगा कि क्या कोई मसाज बिना तेल के भी हुआ करती है, या इन मोहतरमा से पूछा जाए कि यह कौन सा मसाज है जिसमें लड़कियों को सारे कपड़े उतारने पड़ते हों। बार बार नजरें गड़ा कर देखिए, इनकी हरकतें खुद बयां करती हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा था। सवाल पूछा जाना चाहिए थानाध्यक्ष विकास नगर से, सवाल पूछा जाना चाहिए सीओ साहब से और सवाल पूछा जाना चाहिए लखनऊ के एसएसपी महोदय से। अगर जवाब न मिल पाए तो यही सवाल होना चाहिए एंटी रोमियो चलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जरा सोचिए, जिस शहर में होमगार्ड से लेकर डीजीपी तक रहते हों, जिस शहर में पूरे प्रदेश के विधायक मंत्री व मुख्यमंत्री तक रहते हों, उस शहर में वर्षों से चल रहे सेक्स रैकेट की किसी को कानो कान खबर आखिर कैसे नहीं है। पी न्यूज ये दावा करता है कि बहुत से रैकेट तो थाने के 50 मीटर के अंदर ही हैं। क्या यह मान लिया जाए कि सेक्स रैकेट के गमले में पड़ रहा पानी पुलिस का ही है। हमें तो यह लगता है कि लखनऊ की पुलिस ने अपना पूरा ध्यान बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर लगा रखा है, या ऐसा कह लें कि अपनी पूरी ताकत रात में चलने वाले राहगीरों का चालान करने में लगा रखा है। तभी तो इतने बड़े पैमाने पर चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस की निगाहें नहीं पड़ रही हैं।
जरा सोचिए, अगर एक स्पा में 5 लड़कियां देह व्यापार कर रही हैं, तो शहर भर के 100 से ज्यादा स्पा में लगभग 500 से ज्यादा लड़कियां शहर की आबो हवा को बर्बाद कर रही हैं। हम ये दावा करते हैं कि औसतन 20 ग्राहक हर स्पा को, यानी लगभग 2000 लोग और लगभग 1,00,000 रुपया हर स्पा की प्रतिदिन की कमाई, यानी लगभग शहर भर के स्पा की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है। अब आप खुद तय करें कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस सेक्स रैकेट का जिम्मेदार कौन है। आशा है पूरा स्टिंग ऑपरेशन देख करके आपने बहुत कुछ तय कर लिया होगा। शायद उन जिम्मेदारों के नाम भी तय हुए होंगे जो इस सेक्स रैकेट के पूरे पूरे जिम्मेदार हैं। बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी। अब ये दूर एसओ महोदय होते हैं या सीओ महोदय होते हैं या लखनऊ के एसएसपी महोदय होते हैं या सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होते हैं। हमने पहले ही कहा था कि हम खबरों को चाशनी में डुबो करके नहीं लाते हैं, बल्कि लाल मिर्च की पाउडर में डुबा करके लाते हैं। अब ये पाउडर इस वीडियो के बाद हो सकता हो कि विकास नगर के थाना अध्यक्ष महोदय को लग जाए, हो सकता हो लखनऊ के एसएसपी महोदय को लग जाए, या फिर एंटी रोमियो चलाने वाले योगी आदित्यनाथ जी को भी लग सकता है। लेकिन लखनऊ की जनता, देश की जनता यह तय करे इतने बड़े पैमाने पर लखनऊ में सेक्स रैकेट का सही सही जिम्मेदार कौन है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।